लोगों का कहना है कि गुरबाणी चमत्कार नहीं करती ते ना ही सिख धर्म के चमत्कार होंगे ने। सवाल यह है कि चमत्कार क्यों नहीं होंगे सिख धर्म के विच, अते चमत्कार का मतलब लोग की कढ़ते हैं। जेकर किसी महापुरुष की कथा सुना दी जाए तो लोगों को हमेशा गप या झूठ ही लगता है। हर बार एक ही गल कि सिख धर्म के चमत्कार नहीं होंगे। असल दे विच लोगों को चमत्कार का मतलब ही नहीं पता अते दुनिया गुरु की कृपा को बहुत घट तोलती है। अज की यह घटना तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इतने चमत्कार होया जां फिर कृपा। जेकर कृपा हुई तो इसनों चमत्कार क्यों नहीं कह सकते। ये घटना भाई अमृतपाल सिंह जी ने दसी है कि एक बार उन्होंने दिल्ली मुला रोड के उत्ते एक गुरसिख के घर अखंड पाठ के उत्ते बुलाया गया। पाठ का भोग पैण तो उपरंत उस गुरसिख ने उन्होंने दसिया कि हर साल वो अपने जन्मदिन के उत्ते अखंड पाठ करवाते हैं। वो इस करके नहीं कि वह बहुत अमीर तनाड़ हैं, सिर्फ इस करके क्योंकि उन्होंने जन्मदिन एक बहुत ही अलौकिक घटना है। उन्होंने गुरसिख ने दसिया कि उन्होंने पिंड अटारी बॉर्डर तो कुछ 2-3 मील की दूरी पर है, जिसका पहला पुर कलजरी ते बंड तो बाद पुल खालसा कहा जाता है। उन्होंने पिंड उस नहर के उत्ते स्थित है जो मॉडल टाउन लाहौर वाल नूं जाता है। उन्होंने पिंड दे विच उन्होंने एक छोटी जी दुकान सी जिसके उपर एक चुबारा भी सी, जिस दे विच आए गए साधु महापुरश विश्राम करते। एक बार एक संत महापुरश उन्होंने चुबारे के विश्राम करन दे लई रुके अते जदों ओह सैर दे लई बाहर गए तो उन्होंने पता लग्या कि जिन्हां दे चुबारे दे विच ओह रुके हन उन्होंने घर कोई भी औलाद नहीं है। फिर उस गुरसिख ने दसिया कि जदों उन्हां दी माता जी उन्हां संतां दे कोल जल पानी लैके गए तो संतां ने पुछया कि बीबी ये गल सच है कि तुहाडे घर कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने माता जी ने कहा कि बाबा जी तुसी कोई होर बचन कर लवो, ये गल करके उसके जख्मां नूं मुड़ हरे ना करो, ये गल तो मेरे अंदर ही दबी बैठी है, कृपा करके कोई होर बचन कर लवो। जेकर तुसी सोच रहे हो कि इस तरह बचन करके तुसी मेरे कोलों वधेरे सेवा करवा लवोगे तो मैं इसके लिए खिमा मंगती हाँ। संतां ने कहा कि बीबी दुखी क्यों हुंदी है, गल विस्तार दे नाल दस। बीबी जी ने कहा कि जदों जवान सी तां उन्होंने अपनी गोदहरी करन दे लई बहुत वसीले कीते, जादू टोने धागे तवीत हर एक इलाज करवाया, कोई देसी अंग्रेजी इलाज नहीं छड्या। किसी ने दसिया कि अमके मंत्र का जाप करो जल दे कोल बैठ के। उन्होंने पति ने मंजी नूं रस्सी पा के खूह दे विच लमका दिता अते मैं 40 दिन वह भी पाठ करके देख लिया पर मेरी झोली दे विच खैर नहीं पई। जदों तक वह जवानी दे विच सी तां उन्होंने हर एक जतन कर लिया, हुण तां वह बुढ़ापे दे विच आ चुके ने अते 60 साल की उम्र हो चुकी है ते इस उम्र दे विच बच्चे बारे सोचना एक मूर्खता है। सो माता जी ने बाबा जी नूं कहा कि तुसी दुध छको ते कोई होर बचन विलास कर लवो, ये गल दबी ही रहन दिओ। संता ने कहा कि बीबी तू निराश हो गई जापदी है, गुरु नानक दे घर दे विच देर है अंधेर नहीं। ये गल सुन के माता जी ने कहा कि संत जी निराश ना होवां तां की करां। संता ने कहा कि बीबी निराशता एक पाप है अते जेकर तू गुरु घर तो निराश हो गई है तां तू एक पापण है। जदों संता दे मूँह दे विचों ये बचन पापण सुनिया तो माता जी अंदर तक डर गए अते माता कहण लगी कि बाबा जी खेमा कर दिओ, मैनू बख्श दिओ ते हुक्म करो। संत बख्शीश दे घर दे विच आ गए अते कहण लगे कि बीबी तुसी पिछले जन्म दे विच घोर पाप कीते सी, जिन्हां कर्मां दी सज़ा तुहानूं हुण मिल रही सी अते तुहाडी गोद नहीं हरी हुई, तुसी सज़ा नूं दूजे रूप दे विच प्रवान कर लवो अते अज तो ही लूण खाणा छड्ड दिओ अते इस शब्द का जाप करो, गौड़ी महला पांचवां, सूके हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जी वाए, काटे संकट पूरे गुरदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव। उस गुरसिख ने दसिया कि मेरी माता जी ने 12 साल लूण नहीं खाधा अते नितनेम दे नाल इह शब्द का पाठ जरूर करते रहे। जब उन्हां दी माता जी 72 सालां दे होए तो उसका जन्म होया सी। फिर उस गुरसिख ने अपने पिंड दे लंबड़दार नूं कुछ बोलण वास्ते कहा तो उसने दसिया कि यह जो कुछ भी कहिंदे ने उह बिल्कुल सच है, इन्हां दी माता जी 80 सालां दे होके गुजरे सी। उन्हां दे पिंड दे जैलदार ने दसिया कि हर साल ये सरदार जी उन्हां नूं इत्थे सद्दा दिंदे ने अते खर्चा भी भेज दिंदे ने अते उस खर्चे दे उत्ते उह दिल्ली भी घूम जांदे ने अते संगतां नूं गुरु शब्द की महिमा भी दसदे ने तां जो कोई भी घर औलाद तो वांझा ना रहे। 72 साल की माता दे बच्चा होया ये सुन के दिल्ली दे डाक्टर भी हैरान हो गए सी, जो उस वेले उस खंड पाठ दे उत्ते सद्दे होए भी सी। बाणी दे विच सब कुछ है, लोड़ है तुहाडे विश्वास की, गुरु कृपा करदे ने ते जरूर करदे ने, इस दे विच कोई शक नहीं अते इस नूं चमत्कार कहना भी कोई गलत नहीं है।